हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें एक डिज़ाइन बताऊँगी। बहुत छोटा छोटा डिज़ाइन है ये, बच्चों के स्वेटर में बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों के स्वेटर में बनाइए, और चाहे तो आप जेंट्स स्वेटर में भी डाल सकते हैं, उसमें भी अच्छा लगेगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। मैंने इसमें ये थोड़ा सा बॉर्डर बनाया है, और इसमें दो सिलाई सीधी बनाई है, फिर उसके बाद डिजाइन बनाया, फिर ये दो उल्टी सिलाइयाँ बनाई, फिर दो सीधी सिलाइयाँ बनाई, फिर डिजाइन बनाया, फिर ये दो उल्टी सिलाइयाँ बनाई, इसके उसके बाद दो सिलाइयाँ सीधी बनाई, उसके बाद फिर डिजाइन डाल दूँ। एक फंदा सीधा उतारना और दो फंदों के बीच से बुनना, दो फंदों के बीच से बुना, फिर ये दो उसके बाद दो फंदे बुनने। ऐसी पूरी सिलाई बुननी है, फिर दो फंदों के बीच में डालना है, सब फंदों के बीच में डालना, ऐसे बुनना है। दो फंदों के बीच में डाल के बुनना है, फिर ये दो फंदे बुनने, दो दो फंदों का डिजाइन, फिर दो फंदे बुनने बीच से डाल के, फिर ये दो फंदे बनाने, सीधे सीधे ही बनेंगे, फिर दो फंदे बुनने, फिर एक एक फंदा इसमें बढ़ता रहेगा, फिर बीच में दो फंदे, ऐसे करके पूरी सिलाई ख़त्म करनी है। दो फंदे हैं, इसके बीच में बीच से डालना है, फंदे के बीच से नहीं डालना, दो फंदों के बीच से डालना है, ऐसे बुनना है, फिर इसको सीधा बुनना है, फिर दो फंदे सीधे से बनाने हैं, इस तरह पूरी सिलाई बुननी है। देखिए दोस्तों, मैंने ये पूरी सिलाई ख़त्म कर दी है सी तरफ से। अब उल्टी तरफ से इसको ऐसा बनाना है, उल्टी तरफ से एक सिरा उतार लिया, एक फंदा पहले बुनना है, फिर दो फंदे जोड़ के बनाने, इसमें उधर से बढ़ाया तो इधर से एक एक फंदा घटता जाएगा, एक फंदा उल्टा, फिर दो फंदे एक साथ कम होंगे, एक फंदा सीधा उल्टा, फिर दो फंदे उल्टे, एक फंदा फर्स्ट फंदा जो है एक बुनना है, और जो दूसरे फंदे हैं तीन फंदे बनेंगे बने हुए, दो का एक बनाना है। ये पूरी सिलाई में मतलब इस तरह ही करना है। इसमें तीन फंदे बने तो इसके दो बनेंगे, एक फंदा सीधा उल्टा, फिर दो का एक, एक फंदा उल्टा, फिर दो का एक, एक फंदा उल्टा, फिर दो का एक, इस तरह पूरी सिलाई ख़त्म करनी है। दो का एक उल्टा, पहले एक उल्टा होना है, फिर ये दो का एक करना है, एक फंदा उल्टा, दो, एक फंदा उल्टा, फिर दो का एक, पीछे से एक फंदा उल्टा फर्स्ट, फिर दो का एक, आगे से तीन फंदे हुए हैं, एक फंदा बड़ा है तो इसको पीछे से एक फंदा घटेगा, एक एक फंदे हर उसमें घटेगा डिजाइन, एक फंदा फिर दो फंदे,
फिर लास्ट का फंदा सीधा, ये देख ये पूरा डिजाइन ऐसे बनेगा। ये बनाया मैंने, ये बनाया बहुत आसान डिजाइन है। अब इसके बाद पूरी सिलाई सीधी बनेगी। दोस्तों मैंने इसी पूरी सिलाई सीधी बना ली। अब इसके इधर से सिलाई सीधी बनेगी ताकि एक सिलाई उधर से उल्टी आएगी, इधर उल्टी सिलाई, तब से भी सीधी सिलाई बनेगी ताकि एक सिलाई सीधी आए। यहाँ सीधी बुनेंगे तो इधर से उल्टी आएगी। दोस्तों देखिए मैंने ये तीन डिजाइन डाल दी और इसमें बीच में मैंने एक एक दो लाइन उल्टी डाली, फिर इसमें एक लाइन उल्टी आएगी, उसके बाद फिर दो सिलाई सीधी आएगी, फिर डिजाइन आएगा। एक जगह मैं आपको फिर समझा देती हूँ फिर कैसे बनाना है। अभी मैं आपको समझा देती हूँ, इसके बाद एक सिलाई उल्टी बनेगी फिर दो सिलाई सीधी के बाद डिजाइन बनेगा। पर मैं आपको बताती हूँ कि दोबारा से एक जगह समझा देती हूँ कैसे बनाना है इसको। पहला फंदा सीधा दो फंदे के बीच में डालना है, एक फंदा सीधा, फिर दो फंदे सीधे, तीन फंदे बनेंगे, बीच से डालेंगे फंदे के बीच जो दो फंदे के यहाँ पीछे से डालना है, एक फंदा सीधा, फिर दो जो दो लास्ट के दो फंदे हैं वो भी सीधे। ऐसे ये पूरा पूरी लाइन ऐसी बनेगी। उसके बाद जो उसके बाद ये पीछे से जो है पीछे से ये एक फंदा सीधा उल्टा बनेगा, फिर दो फंदे जोड़े मतलब दोनों दो एक साथ बनाने हैं, एक फंदा उल्टा बनेगा, उल्टा बनाना है, फिर जो दो फंदे हैं इसको दोनों फंदों को एक साथ बुनना है, क्योंकि आगे से तीन एक एक फंदा बढ़ाया, एक फंदा उल्टा, फिर दोनों दो फंदे एक साथ, एक फंदा उल्टा और दो फंदे एक साथ बनाने हैं। इस तरह ये पूरी सिलाई बनेगी। देखिए ये सब डिजाइन बन के पूरा तैयार हो गया। ये बच्चों के स्वेटर में बहुत ही अच्छा लगेगा और हाफ स्वेटर में भी बना सकते हैं जेंट्स आप, लड़कियों के फ्रॉक में डालिए और बच्चों की कैप में भी डाल सकते, टोपी भी में भी डिजाइन डाल सकते, बहुत अच्छा लगेगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू।